मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बलोची स्टाइल में कैसे फूल डालते हैं। ये हमारा जासिम भाई है, लगता है पूरे दुनिया में सिर्फ यही सलामान नहीं जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द माय व्लॉग। आज रमज़ान का चौथा दिन है, मेरे ख्याल से चौथा पांचवा दिन है। काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग भी मैंने नहीं किया, तो रमज़ान को आज 5 दिन हो गया। मैं सोच रहा था कि कोई एक दिन कोई एक व्लॉग बना दो रमज़ान का, तो रमज़ान में बाहर निकलना नहीं होता था ज़्यादा, इसलिए घर में बैठ के क्या व्लॉगिंग करूँ। तो आज फाइनली मैं निकला हूँ बाहर, और आगे चौक पे मेरा इंतज़ार कर रहे लोग, तो सोच रहा था उनके पास चलो, फिर वहाँ से इंशाल्लाह बाज़ार की तरफ निकलते हैं। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि रमज़ान में इस शहर का बाज़ार कैसे होता है, रौनक वगैरह, यहाँ का माहौल, लोग, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो गाइस मैं ये बता रहा था कि ये यहाँ का मेन रोड है जो बाज़ार की तरफ जाता है, और ये मेरा इलाका है, एरिया है, मैं यहाँ रहता हूँ। ये दिखने में कुछ गांव टाइप का लगता है, लेकिन यहाँ से आगे आप जाओगे ना आप लोग को बिल्कुल शहर वाला फील महसूस होगा। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। मुश्किल नहीं, पैदल चलना थोड़ा मुश्किल हो गया, काफ़ी टाइम से पैदल नहीं चला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा 2 मिनट चलना पड़ेगा। हाँ तो गया, मैं भी रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में मेरा मामू मिला गाड़ी में, तो बाज़ार पता नहीं अभी जाना होगा नहीं होगा, लेकिन यहीं पर हम थोड़ा टोर वगैरह लगाते हैं कुछ, तो इसको अगर ये बाज़ार जाता है तो बेहतर होगा। अच्छा गया, ये हमारा इलाका है, हम भी यहीं पर रहते हैं, और सामने बिल्कुल रोड है, ये यहाँ का मस्जिद है जहाँ पर हम लोग तरावी पढ़ते हैं, नमाज वगैरह यहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम तो ज़्यादातर बाज़ार जाते हैं वहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर बाज़ार जाना ना हो यही हंस हंस हो तो हमारा मस्जिद है, ये पूरा इलाके का एक ही मस्जिद है, और वो सामने रोड है, ये छोटे मोटे घर हैं बनाए हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर, अभी जो पक्के घर अभी आए हुए हैं, पहले आप लोग अगर 2-3 साल पहले अगर आप लोग यहाँ आते तो आप लोग को यहाँ पर कच्चे घर के अलावा और पक्के घर तो एक भी नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तरक्की हो रही है, आस्ते आस्ते सब पक्के घर बन रहे हैं। और यहाँ से ये रोड आता है इस तरफ, मट्टी की तरफ राइट तरफ जाओगे तो चाबार वगैरह जायदा तरफ, और लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ का बाज़ार आता है जो सरावान मेन बाज़ार। कई देख गाड़ी है, गाड़ी हमारे यहाँ पर खड़ा है, काफ़ी रश कश लगा हुआ है यहाँ पर, वे लोग नहीं कर रहे हैं वीडियो वीडियो में बनाए बच्चे मारते ही हमारे टीम का कैप्टन यहाँ बैठा है। बोले सरकार गाड़ी है नहीं साहब देन मान तो सारे हां हां ठीक से हां चांगा ना गाड़ी तो बिल्कुल तो सलवारदार होना है तो सर साहब तो इंगुड़ी का इंगुड़ी के इंगुड़ कैसे इसकी का कैसे वो अरे नहीं वहां खड़ा हो यार तो गाइस ये दोनों यहाँ पर पेट्रोल डाल रहे हैं, और ये बंदा अपने ही चस्के में लगा हुआ है, और अभी अफ्तार में आधा घंटा और बाकी है, ये लोग अपना पेट्रोल वगैरह का काम कर लें। गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बलोची स्टाइल में कैसे पेट्रोल डालते हैं। बस पाकिस्तान में अगर एक खतरा भी पेट्रोल गिरता है तो बंदे का दिल निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा 5 लीटर पेट्रोल बहुत सस्ता है, इधर लोग पानी की जगह पेट्रोल पी लालू ने इधर पेट्रोल की जगह अच्छा पानी की जगह पेट्रोल पीता है। हाँ पेट्रोल सस्ता ना, हाँ सिर्फ पेट्रोल सस्ता ना है तो तुम्हारे से ना बुढ़े पानी वाले लोगों के लिए तुरंत इस्तेमाल करते हैं। गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं, बस तारीख का टाइम बहुत नजदीक है, रैली वगैरह करके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
ब्रेन यार घुमा वाला ब्रेन वाला ब्रेन ना पहुंच जाए अफतारी अच्छा काट हुआ जरा से घर पहुंच गए अफतारी का टाइम हो गया कुछ देख ले तो बाजार में हाल हाल The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सीन ये है कि कल अफतारी के बाद थोड़ा तबीयत सही नहीं था, इसलिए व्लॉग को कंटिन्यू मैंने नहीं किया। तो आज दूसरा दिन है इसके, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। तो अभी सलमान भाई आए हुए मुझे लेने, हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ का रमज़ान का माहौल कैसा होगा वो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वैसे आप लोगों को मैंने ये आसपास के इलाके दिखाए, लेकिन बाज़ार मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। आज आप लोगों को मैं बाज़ार दिखाने वाला हूँ। तो चले सलमान। तो गाइस अभी हम आए हुए नासिर भाई के दुकान में। ये हमारा जासिम भाई है। और शिकारी भाई है। तो गाइस हमने बाइक रख दिया, अभी इमरान भाई के साथ हम गाड़ी पे जाएंगे। इमरान है, मेरा कज़न है, यही रहता है, इसका काम काज सब इसी शहर में है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक। तो सीन ये है कि आज रमज़ान का 15वां दिन है और आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है और टाइम भी अराउंड 2 बज रहे हैं, 2 ऐसा 2:30 ऐसे बज रहे हैं। तो मैं भी घर से निकला था, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इस मौसम को भी इंजॉय करते हुए सलमान के घर चला जाओ। और सलमान को तो आप लोग जानते हो जो कल मेरे साथ था। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है और रमज़ान का 15 दिन गुजर गए, 15 दिन बचे हुए हैं। हाँ तो गाइस, कुल 8 साल बाद मैं अपने देश, अपने मुल्क, अपने घर में रमज़ान में यहीं हूँ और ईद भी मैं यहीं अपनों के साथ मनाऊँगा। तो कुल 8 साल बाद, 8-9 ईदों के बाद फाइनली मैं अपने घर पे इस ईद पे इंशाल्लाह ताला अपने घर पे मनाऊंगा, अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली वगैरह, अपने कज़न, इनके साथ में मतलब बनाऊंगा। तो सीन ये है कि परदेश का ईद तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि कैसे मतलब होता है और अपनों के बीच ईद मनाना कैसे होता है। तो फाइनली तो अभी मैं आया हूँ सलमान के इलाके में, जो पहला वाला इलाका वहाँ पर था वो माँ मैं रहता हूँ, और वहाँ से 2 कदम चलने के बाद जो इलाका है वो सलमान रहता है। ये भी 1-2 घर के बाद सलमान का घर आएगा। मैंने इसको फ़ोन किया था, उसका फ़ोन उठा नहीं रहा, शायद सो रहा है, तो इसलिए मैं खुद उसके घर आ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द माय ब्लॉग। सो सीन ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अभी जो चल रहा है रमज़ान के आखिरी टाइम चल रहा है, आज 26वां रोज़ा है, कल 27वां है और ईद भी नज़दीक है। तो अभी हम जा रहे हैं बाज़ार में, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि बाज़ार में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब मैंने दुबई, पाकिस्तान में मतलब ईद के मौके पे इतना रश नहीं देखा है जो यहाँ मैंने देखा है। चल तो निकलते हैं, ये हमारा बसंत भी रेडी हो गया। तो गाइस जैसे मैंने कहा था कि बाज़ार में काफ़ी रश होगा,
ऐसा लगता है पूरे दुनिया में सिर्फ यही सरावान में ईद आ रहा है, बाकी जगह में ईद है ही नहीं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, इसके आगे सिग्नल है लेकिन कोई मानने वाला है नहीं। सिग्नल उड़ गया है। बाकी माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश है, पता नहीं कब तक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ तो गैस हम बाज़ार गए थे लेकिन एक छोटा सा काम के लिए हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। सीन ये है कि मैं और हसन गए थे बाज़ार और नवीद का कॉल आया था कि आप लोग आके मुझे पिक कर लो, तो हम वापस जा रहे हैं नवीद को पिक करने। नवीद मेरा मामू का वसीरजाद है, साला है। ऐसे गाइस हमारा एक बहुत बड़ा टीम है, नवीद है, जलील है, जमील है, परवेज है, टाडू है, काफ़ी लोगों में आप लोगों ने उन्हें देखा होगा। और इंशाल्लाह हमारा पूरा ग्रुप है, माशाल्लाह हमारा पूरा ग्रुप ईद के दिन जा रहा है पिकनिक वगैरह। मैं आप लोगों को सब से मिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही तो। अभी फिलहाल नवीद को पिक कर देना। जिस नवीद को हम लेने आए थे वो ये नवीद नवीद मैं दो मंसर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।